क्या है हज यात्रा, क्या है हज यात्रा के लिए वीआईपी कोटा? वेलकम टू न्यूज टाइम बाय एएस फैक्ट्स। आज जानेंगे व्हाई गवर्नमेंट रिमूव वीआईपी क्वोटा। बेसिक से जानते हैं, मुसलमानों के पांच पिलर्स हैं जिस पर इस्लाम है। मतलब ये पांच चीजें इस्लाम में फर्ज है और हर मुसलमानों को करना जरूरी है, लेकिन कुछ चीजों में शर्त है, वो मैं आगे बताऊंगा। पहला है कलमाए शहादत, मतलब मुसलमान होने के लिए प्रॉफेट मोहम्मद का कलमा और अल्लाह को मानना जरूरी है। दूसरा है दिन में पांच वक्त का नमाज पढ़ना, इसमें शर्त है कुछ तीन से चार तरह के लोगों पर नमाज माफ है। तीसरा है एक महीने रमजान का रोजा रखना, इसमें शर्त है कुछ दो से तीन तरह के लोगों पर ये माफ है या फिर बाद में रख सकते हैं। चौथा है जकात, मतलब अपनी प्रॉपर्टी से कुछ पैसे दान करना, इसमें शर्त है कि ये गरीबों के लिए नहीं है और प्रॉपर्टी का लिमिट सेट होता है। पांचवा है हज, मतलब मक्का अल मुकर्रमा का तवाफ करना, इसमें शर्त है कि ये उसको करना है जिसके पास वहाँ जाने खाने रहने का सफिशेंट मनी हो। वर्ल्ड में सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन मुसलमानों का है, अगर एक साथ इतने सारे लोग सऊदी में एक जगह गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए सऊदी हर कंट्री के लिए लिमिट सेट करता है। जैसे 2023 में इंडिया के लिए 1,75,000 का लिमिट है। यहाँ रहा इंडिया का बात, तो यहाँ 2012 तक पूरा वीआईपी कोटा था। फॉर एग्जांपल 1,00,000 सीट है तो उसमें से 5,000 वीआईपी कोटा होगा और बाकी सब लॉटरी से सिलेक्ट हुए हैं। वीआईपी कोटा में कुछ सीट्स प्रेसिडेंट, कुछ प्राइम मिनिस्टर, कुछ फॉरेन मिनिस्टर एंड सो ऑन सीट्स रिजर्व रहती थी, मतलब लॉटरी में नाम ना आए तो किसी का कोटा लगा के चले जाओ। 2012 में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आया और वीआईपी सीट को 5,000 से घटा के 500 कर दिया गया और अब का न्यूज़ है कि इसे पूरा हटा दिया गया है। मतलब अब जो हज करने जाएगा वो सब लॉटरी सिस्टम से। और इससे जुड़ा एक और टर्म है सब्सिडी। हज के पूरे टूर में अप्रॉक्स 3 से 4 लाख खर्चा होता है। पहले इसमें से कुछ पैसे गवर्नमेंट पे करती थी, लेकिन 2018 से ये भी हटा दिया गया है। ये जानकारी आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से।